ठीक है सो माई नेम इज़ कार्तिक खरबंदा आई गेव गेट इन टू थाउजेंड फोर्टीन एंड सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक थ्री वन फाइव एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू आई आई सी बैंगलोर कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम द एयर एंड इन द इयर टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड आफ्टर दैट आई गॉट इन कैंपस प्लेसमेंट एंड वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद डेली एम सी कॉरपोरेशन तो वहाँ पर मैं बेसिकली सी लैंग्वेज फाइल सिस्टम पर काम करता था सो मेरा मेजर काम जो था वो सी लैंग्वेज में था सो so, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज आई गॉट टू नो कि सी लैंग्वेज एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट में आज भी कैसे यूज़ होता है जबकि जब मैं बी में था तो मेरे को कभी पता नहीं था या कोई बताता नहीं था कि सी लैंग्वेज कोई यूज़ करता है सब कहते थे कोई यूज़ नहीं करता बट आज भी सी लैंग्वेज इतनी बेसिक और इतनी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ वाई इट इज़ इन स्टिल इन गेट जो पूछी जाती है तो इसलिए मुझे एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिला उस प्रो, प्रोडक्ट के साथ और उस लैंग्वेज में काम करने का

I, I, I have seen lot of students going स्टूडेंट्स गोइंग uh, coming in and asking me, sir, मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा या मुझे ये नहीं आता देखो आप एक चीज़ याद रखो आपको इस टाइम पर ये फोकस नहीं करना आपको क्या नहीं आता आपको ध्यान क्या रखना है आपको क्या आता है ठीक है और आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स uh, I I I have taught lot of students और मैं ये कह सकता हूँ कि जितने students मेरे class में आते हैं उसमें से मैं काफ़ी students होते हैं जिनको बोलता हूँ ये अच्छा करेंगे लेकिन कुछ उसमें से नहीं कर पाते उसका मेजर रीज़न ये है कि वो दिमाग में ना उनके क्लियर नहीं होता कि एक्चुअली में कौन सा मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा मेरा टॉपिक वीक है इसकी वजह से वो क्या करते हैं पेपर हाँ, में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे टाइम ख़राब करते हैं अगर गेट में मेरे को स्टूडेंट्स आके कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही बट आप एक चीज़ याद रखना गेट के अंदर टाइम मैनेजमेंट मार्किंग से ज़्यादा क्रिटिकल है अगर आप एक क्वेश्चन में टाइम दे रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन आपने चार मिनट दे दिए और वो गलत सॉल्व किया या नहीं कर पाए उसका प्रॉब्लम ये होगा आपने चार मिनट खराब किए वहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं मिला ठीक है बट चार मिनट खराब किए वो आप किसी और क्वेश्चन को देते तो वहाँ पे सिली मिस्टेक अवॉइड हो सकता था क्योंकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है सॉल्व करने के लिए सो दिस इज वन मेजर थिंग तो इस चीज़ पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए इस टाइम पे कि क्या मेरे स्ट्रांग टॉपिक्स हैं क्या मेरे स्ट्रांग सब्जेक्ट्स हैं और क्या मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम के दिन बहुत हेल्प करेगा बिकॉज पर्सनली दिस हैज़ हेल्प मी अलॉट ठीक है दिस इज द पॉइंट नंबर वन क्लियर रखो कि दिमाग में दिमाग में कि आपके कौन से स्ट्रांग टॉपिक्स हैं और कौन से वीक टॉपिक्स हैं फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी पेपर में अगर आप हंड्रेड सिक्सटी फाइव क्वेश्चन है इफ़ यू टेन फिफ्टी क्वेश्चन ऑल्सो और आपकी अगर फिफ्टी परसेंट एक्रेसी आ गई तो दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव सही है और ट्वेंटी फाइव गलत है अब देखो ट्वेंटी फाइव गलत में ना दो प्रॉब्लम है एक आप नेगेटिव मार्किंग ले रहे हो और दूसरा आपने टाइम भी तो खराब किया आप वो ट्वेंटी फाइव गलत ना करने के बजाय अगर प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेते तो आप मैं कहता हूँ पाँच या छः क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करते जो सिली मिस्टेक अवॉइड हो जाती तो वो छे क्वेश्चन और सही हो जाते उन 25 में से बाकी 19 छोड़ दो तो आप 31 वन क्वेश्चन सही करो एक्यूरेसी अच्छी रखो और आपके डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे विच इज मोर देन इनफ कि आप कट ऑफ क्लियर एटलीस्ट कर पाओ ठीक है उसके बाद उस चीज पे बिल्ड अप करना होता है और ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट में करनी होती है दिस इज द ब्रीफ कि क्यों एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है तो आपको ये मॉक टेस्ट में एनालाइज करना है कि येस एक्यूरेसी मेरी कितनी आ रही है ठीक है और दूसरी चीज़ एक्यूरेसी के साथ साथ आपको सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है क्योंकि सिली मिस्टेक एक ऐसी चीज़ है जो अवॉइड कर सकते हो अगर गेट में मैं आज भी अगर गेट लिखूं तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं ठीक है बट मैं ये कहता हूं कि मैं सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकता हूं क्योंकि वो एक ह्यूमन एरर है अगर मैं आपको टाइम ज़्यादा दूंगा तो आप वो सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो तो उसका हमें ध्यान रखना है कोई कंसेप्ट अगर नहीं आता तो आप ये देखो अगर कोई कंसेप्ट बाहर से आता है तो सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता तो उसमें सारे एक बराबर है एंड गेट कॉलेज लेवल का एग्जाम तो है नहीं गेट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम इधर रिस्पेक्ट किस रिस्पेक्ट में कौन कितना स्कोर कर रहा है उस हिसाब से आपकी रैंकिंग आती है तो अगर पेपर बहुत हार्ड आया तो हाइएस्ट टॉपर ही सेवेंटी लाएगा तो आप भी अगर सेवेंटी ला रहे हो आप टॉपर हो गए और अगर पेपर इजी आया तो आप टॉपर नाइन्टी लाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो और ये प्रैक्टिस सारी मॉक टेस्ट में रहनी चाहिए तो अभी लास्ट के टू वीक्स रह गए हैं फर्स्ट पॉइंट दिमाग में क्लियर रखो स्ट्रांग और वीक टॉपिक्स का सेकेंड पॉइंट एक्यूरेसी इंप्रूव करने की कोशिश करो फॉर मी आई विल एडवाइज अ गुड अ पर्सन हु रियली वॉन्ट्स टू गेट इन टू टॉप आई आई टीज टॉप सेवन आई टीज और आई एस सी शुड हैव एन एक्यूरेसी ऑफ एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट ठीक है और अगर आप फिफ्टी क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हो नाइनटी परसेंट एक्क्यूरेसी के साथ आप अपने गोल पर रीच कर जाओगे दैट इज श्योर ठीक है तो ये दो पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को इस टाइम पे जरूर फोकस करना चाहिए एंड थर्ड थिंग इज आई uh, थिंक वो पॉइंट मेरे को सबसे पहले बोलना चाहिए था दैट इज योर हेल्थ ठीक है हेल्थ और एक रूटीन एक मैकेनिकल रूटीन इस टाइम पे फॉलो करना है क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना वो अगर आप उस पर कुछ भी अपनी बॉडी पे कुछ डिफरेंट चीज़ डालते हो ना वो उस पर रिएक्ट करती है तो आपको क्या करना है एक मैकेनिकल रूटीन फॉलो करना है जिससे ब्रेन को पता लग जाए कि यस अगर नाइन टू ट्वेल्व का टाइम है इस टाइम पे मैं रोज़ गेट दूंगा तो मेरा ब्रेन फुल स्पीड पर और फुल फंक्शन पे काम करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डिलेज आ रहे हैं या आपका दिमाग कहीं और जा रहा है उस टाइम पे तो एक मैकेनिकल रूटीन फॉलो करना इस टाइम पे ज़रूरी है एंड मॉक टेस्ट आप अपना उसी टाइम दें जिस टाइम पे आपका एक्चुअल गेट एग्जाम है ताकि ब्रेन को पता होगा यस एवरी डे इतने बजे ये बंदा टेस्ट लिखेगा तो आई शुड बी रेडी ठीक है तो ये खुद को प्रिपेयर करना है फॉर द टेस्ट डे एंड दीज आर सेपरेट कंसेप्ट जो पढ़ते हैं जो आप क्लासेज में पढ़ते हैं दैट इज दीज थिंग्स आर सेपरेट फ्राम दोज तो ये एक ये कुछ चीज़ें हैं जो एक टॉपर और एक गेट टॉपर और एक कॉलेज टॉपर में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती हैं